तो लो जी, सुबह सुबह आ चुकी है हमारी ब्लैक टी। ओ थैंक यू दाई, वेलकम जी, वेलकम। सुबह सुबह हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, पराठे, भिंडी की सब्जी और अचार और ब्लैक टी के साथ। और भाई यहाँ पे लगा हर घरों में काम, पावर चैन की आवाज सुनाई दे रही होगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो की फिर से शुरुआत हो चुकी है वाइचन वैली में। आप देख पा रहे होंगे सामने फुल व्यू ऑफ वाइचन वैली। सामने है देवरोपा का ट्रैक, बट अभी हम नहीं जा पा रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से वापस वाइचन वैली को गुड बाय कर रहे हैं। आज हमारा स्टे रहेगा मे बी मलाना में, और मलाना का व्यू यहाँ से एकदम पीछे को स्टीव रास्ता है, तो चलेंगे आज आपको वो वाला रास्ता भी दिखाएंगे। अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह का ही कर लिया, निकल चुके हैं अभी थोड़ी देर में, पूरी पैकिंग हो रही है हमारी। तो अभी पैकिंग वगैरह हमारी हो चुकी है, तो बस कुछ टाइम में निकल रहे हैं हम नीचे मलाना की ओर। और भाई यहाँ का व्यू छोड़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे दो रातें निकाली हमने, क्या अल्टीमेट व्यू है। आप भी कभी भी आइए, बाइक के पास आप रुक सकते हो, अमर भाई के पास, अमर भाई का कैंप है। अगर कोई आए तो हमें कमेंट कर दे, हम उसको नंबर देंगे डायरेक्ट बाइक का भी, और आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो कभी भी दिन रात, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो देख सकते हो आप क्या ही प्यारी लोकेशन है। और दाई चले नीचे, भाई दाई ने बहुत हेल्प करी हमारी, और आज हम गुड बाय करेंगे इनको, फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम। हम भी निकल चुके हैं अब मैजिक वैली को, करते हैं गुड बाय और चलते हैं मलाना की तरफ। और ये कुछ ऐसा गांव है मैजिक वैली, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, कॉटेज वगैरह यहाँ पे है, एंड यहाँ पे टेंट भी आपको मिल जाएंगे, बट आजकल यहाँ पे इतना टूरिस्ट नहीं है, सब बंद ही है, क्योंकि नीचे से रोड ही बंद है, तो कौन ही आएगा ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं छोड़ रहा, ना कोई फॉरेनर है ना कोई इंडियन है, सिर्फ हम तीन भाई थे जो घूमने आए थे यहाँ पे। साहब यहाँ देखो हर जगह काम लगा हुआ है, हम थोड़ा सा आगे आए थे, बट हमारे साथ एक बुलक्कड़ आदमी है अर्शदीप, उसने लास्ट दो दिन पहले बाइक की चाबी गुम कर दी, एक घंटे के बाद बाइक की चाबी मिली, आज वो पावर बैंक भूल के आ गया पीछे, तो अभी गया है लेने, हम उसका वेट कर रहे हैं यार। समझ सकते हो आप, सामान छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि मलाना में हम जा रहे हैं वहाँ पे लाइट नहीं है, 20 दिन से लाइट नहीं आई उस गांव में, तो वो सब जनरेटर वनेटर से ही काम चला रहे हैं ऐसा सुनने में आया है। सिग्नल का पता नहीं है प्रॉपर है वहाँ पे कि नहीं है, तो बस जैसे वो आता है फिर हम निकलते हैं आगे की ओर, है ना। और मेरा तो मन नहीं कर रहा इस प्यारी सी लोकेशन को छोड़ने का, बहुत ही नाइस वैली बोल सकता हूँ, बहुत ही अल्टीमेट है ना, ऐसी वैली हर कहीं नहीं मिलती। तो ऐसे ऐसे घर हैं आप देख पा रहे होंगे, लकड़ी वगैरह स्टॉक रखी होती है इन्होंने, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है, एंड फिर बर्फ़ में कोई काम धंधा होता नहीं, फिर ये लोग अपना खाने पीने का ही काम होता है घर में ही, घर से बाहर नहीं निकल पाते उतना, तो लकड़ी इनको चाहिए होती है, कहीं आग जलाओ, पानी गर्म करो, खाना बनाओ, सारा काम लकड़ी पर ही होता है यहाँ पर, है ना। और अर्शदीप आता हुआ परे से, फिर भाई अर्शदीप मिल गया पावर बैंक, कहाँ रखा था भाई? गायब नहीं हुआ था, चार्जिंग पे लगा के आया था मैं। अच्छा, चार्जिंग कहाँ लगाई? लाइट तो थी निकल की, किचन में लाइट है। अच्छा, किचन में है क्या? हाँ, बैटरी से चलता है। कितना चार्ज हो गया? तीन डंडे हो गए। वाह, फिर तो हमारे दूंगा नहीं आपको लेकर, चलो अब। ये क्या बात हो गई, हम तेरा वेट कर रहे, दूंगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा। आते मेरे को बदनाम कर रहे हो कि छोड़ के आ गया? सही है, नहीं मैंने नहीं किया, बदनाम नहीं, ये असलियत थी। तो गाइस अभी चल पड़े हम, ऐसा कुछ रास्ता है भाई वाइचन वैली का, तो चलते हैं आगे की ओर हमारी नई मंजिल पे। और थोड़ा पानी पी ले यार भाई, पानी कितना साफ आया भाई, ऐसा ही आता है इधर पानी ना, और एक निकली के हो पानी पा पे। मैंने खाना खाया था, पानी नहीं पिया था सुबह ना, तो अभी चल पड़े हैं। बोतल क्या करोगे? और यहाँ पे देखो सोलर सिस्टम, ये ही काम जावे यहाँ पे भाई। अगर आपको कल को ट्रैक करने आते हो तो कोशिश करो
कि सोलर वाली इंस्ट्रूमेंट ज्यादा लेके आओ यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा बोला क्यों? क्यों बोला रहा? मैं भी मोटू नहीं है, शुक्र है देवियों, थैंक यू। किसी ने पतलू तो बोला। चलो चलो, बाय 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 बाय। लेकिन एक बात बताऊं, जितना आना मुश्किल था ना, उससे कहीं गुना जाना मुश्किल हो चुका। तो आज तो धूप निकली हुई है तो अभी बढ़िया चल रहे हैं। जब हम ऊपर गए थे बहुत बारिश थी, सारे भीगे हुए थे कपड़े वपड़े, क्यों कुछ भी बारिश थी ना भाई उस टाइम, इधर जब हम ऊपर गए थे यहाँ से हल्की हल्की है ना। अभी थोड़ा ही नीचे उतरना है बस, सामने वाटरफॉल देखो जरा। अभी पहुँच चुके हैं थोड़ा प्लेन एरिया में, यहाँ से हम आए थे, वो पेड़ आपको दिख रहा होगा हल्का सा, यहाँ से हमने क्रॉस करा था और ये एकदम स्टीप चढ़ाई थी। अभी हम जाएंगे इस रास्ते से, इसके ऑपोजिट डैम के ऑपोजिट जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। पहुंच चुके हैं उस ब्रिज के पास जो ब्रिज हमने पार करा था, ये अब रहा वो लकड़ी जिससे हमने रास्ता पार करा था और ऊपर को गए थे। चलते हैं आगे की ओर मलाना की तरफ, ये रास्ता है। अब आज हम उस साइड नहीं जा रहे, आज हम इसी रास्ते से जाएंगे डैम के इस साइड से और सीधा मलाना को। आज थोड़ा रिस्की कम होने वाला है और थोड़ा रास्ता भी प्लेन प्लेन ही है तो इतनी थकान भी नहीं हो रही है ना। तो चलते हैं गाइस। और ये रास्ता आपको बताऊं, ये रास्ता ऊपर वाइचन वैली जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों की गाड़ियां फंसी हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा लोगों की, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऐसा अवलांच बोल सकते हैं, ऐसा मलबा बहुत आया हुआ है रोडों में जिसके कारण गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है। सब भाई पैदल चले हुए हैं, सब पैदल चले यहाँ पे। ओ भाई चलते, वो सामने आपको डैम का व्यू दिखाते हैं कि डैम में कितना पानी है। शिट, ये पूरा रोड बह चुका है यहाँ से। हो भाई पूरा मलबा ही मलबा आ चुका है चारों साइड। ओ यार यहाँ नहाना चाहिए था भाई, क्या क्रिस्टल क्लियर वाटर है भाई, यहाँ नहाना चाहिए था यार। डैम की कंडीशन पहले से बेस्ट है क्योंकि पानी का फ्लो कम हो चुका है और कितनी सारी लकड़ी देखो यार डैम बहा के ले आया पानी अपने साथ डैम में। चलते हैं आगे, डैम की कंडीशन देखते हैं कैसी है। डर गया, आ जा कुछ नहीं होगा। देख रहे हो ना, हम सुबह नहा लिए थे मैं और अंकुश, क्योंकि वहाँ पे जो पाइप थी पानी की वो उन्होंने बाद में निकाल दी तो अर्शदीप भाई रह गया। और आज अर्शदीप भाई नहा रहा है बिल्कुल वाटरफॉल में ठंडे पानी। अर्शदीप पानी कैसा भाई? मजा आया कसम से, ठंडा है एक नंबर, तेरी सुरे खुल जाएगी, नहा ले फटाफट। चल मस्त है। तो अभी डैम का पानी थोड़ा कम है बट जा ऊपर से ही रहा है क्योंकि इसके जो गेट्स हैं वो जाम हो चुके हैं। हम गए थे दरअसल उस टाइप साइड से जंगल से होते हुए, तो दो तीन दिन से मौसम साफ है तो बारिश नहीं हुई है और मे भी ये ठीक हो जाना चाहिए यार, है ना। कल को अगर ये ऊपर से कुछ हो गया इंसिडेंट तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा नीचे, हम नहीं चाहते वो चीज़ कि किसी का नुकसान हो, है ना। क्योंकि आजकल एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पे आई हुई हैं बट वो भी क्या करेंगी, एक तो ये इतना चिल्ड पानी है और ऊपर से 150 मीटर नीचे है, 150 मीटर आप समझ सकते हो 150 मीटर कितना होता है, और ऊपर से ये इतना चिल्ड है मतलब मेरे को नहीं लगता 20 सेकंड से ज़्यादा कोई बंदा इसमें रह पाएगा,
20 सेकंड के बाद उसकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। चलते हैं फिर आगे की ओर। कितनी सारी लकड़ियां फंस चुकी हैं इसमें, और भाई पानी अभी भी ओवरफ्लो ही जा रहा है यहाँ से। और उस साइड से आप देख पा रहे ये मिट्टी खिसक गई है नीचे, बहुत रिस्की हो रखा है। साइड से हमें लग रहा था कि डैम की कंडीशन अच्छी है ना, बट भाई इस साइड आके पता चल रहा है कि डैम की कंडीशन तो अभी भी ख़राब है। इस साइड से पानी ऊपर से जा रहा है, और भाई फ्लो देखो कितना भयंकर है यार। और कितनी सारी लकड़ियाँ ये फंस चुकी हैं ऊपर, क्योंकि इनके जो डोर्स हैं वो लॉक हो चुके हैं। अगर डोर्स खुलेंगे तो ये तभी ये पानी निकलेगा नीचे से, अदरवाइज बहुत टफ हो चुका है। हर्ष भाई यार बहुत बहुत डेंजर सिचुएशन है यहाँ पे तो, है ना। पानी तो अभी भी कम नहीं हुआ, हमने सोचा कम हो गया होगा 2-3 दिन में। अगर 2-3 दिन कंटिन्यू फिर से बारिश हो जाती, फिर बारिश होगी तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, है ना, फिर दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे। अभी शुक्र है ऊपर वाले का कि धूप ही निकली हुई है, और पानी का फ्लो तो आप देख ही पा रहे होंगे सामने, क्या ही बोल सकते हैं हम, बड़ा खतरनाक है। तो एनीवे चले फिर मलाना की तरफ, ये रास्ता जाता है यहाँ से मलाना की ओर, चलते हैं। बच गया भाई, बच गया, स्लिप हो गया था पैर। यहाँ पे भी सेफ सेम बेसिक कंडीशन है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर से मलबा, नीचे रोड क्लोज। चलो ट्रैकर बंदों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई गलती से भी यहाँ गाड़ी गुड़ी लेके आ गया होगा भाई, वो स्टक हो गया इधर ही। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लोगों की फंसी हुई हैं ऊपर। जो भाई जिनके पास हम रुके थे, अमर भाई, उनकी जिप्सी भी ऊपर खड़ी है काफ़ी दिन से, तो उनके कॉटेज का कैफ़े का काम चला हुआ है। उनको काफ़ी नीचे से जाके उनको सामान लाना पड़ता है बहुत सारा, बट वो बेचारे क्या करें, उनको घोड़ों की सहायता से सामान ऊपर पहुंचाना पड़ रहा है। और ये रहा मलाना का रोड, कोई भी नहीं है दूर दूर तक, आप देख पा रहे होंगे कोई टूरिस्ट नहीं है तो यहाँ पे। तो चलते हैं आगे की ओर, भाई लोग भी आ गए। ओ भाई साहब, यहाँ पे भी देखो मलबा ही मलबा आया हुआ है, लकड़ियाँ बहुत आई हैं, लोगों ने लकड़ी इकट्ठी कर ली है बहुत ज़्यादा, स्टॉक स्टॉक वुड स्टॉक। तो अभी हम आ रहे थे, ऐसा कुछ रास्ता है मलाना जाने के लिए, भाई पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, और सामने देखो क्या प्यारा वाटरफॉल है, अल्टीमेट। और भाई मलाना जाना है ना आपने, मलाना ऐसा है मलाना, सच्ची ये रास्ता इतना खतरनाक नहीं था यार, ये बह गया ना बारिश की वजह से भाई। यहाँ से सीधा एकदम, अगर यहाँ से पैर स्लिप हो गया तो सीधा हेलीकॉप्टर बन जाएगा आदमी। और सामने देखो कितना प्यारा वाटरफॉल दिखा है भाई, थोड़ा ध्यान से। ये कौन सा रास्ता है भाई? भाई मलाना जाना चाहते हो ना आप? हाँ। यही रास्ता फिर मलाना का भाई जी? भाई जी मैं पहली बार नहीं आया मलाना, दूसरी बार आया हूँ, रास्ते मुझे भी पता है भाई जी। वो रास्ते उठ गए भाई, वो रास्ते उठ गए, तो ऐसा कुछ रास्ता है, जंगलों से निकल के जाना पड़ रहा है। अर्श जी भाई हौसला नहीं छोड़ना भाई, अभी पहुंचने वाले हैं हम तो, अभी थोड़ा ही रह गया ब्रो, है ना। बट यहाँ से टाटा बाय बाय नहीं,
साल एंड पे भेजा है। क्या हो गया था क्या? अरे अब तो डोन डोन है यहाँ से, थोड़ा बैठ लेते हैं यार, मैं भी थक गया। चलो आगे छाया में बैठते हैं वहाँ पे। और दोस्तों इस ट्रेल पे चलते चलते पहुंच चुके हैं फाइनली हम मलाना में। ये सामने हम मलाना व्यू, तो दोस्तों इस मलाना की बहुत पुरानी सभ्यता है, सबसे पुराना डेमोक्रेटिक जो है इनका चलता है यहाँ पे, रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ पे जमदाग्नि ऋषि जी का टेंपल है, हाँ, जिसको जमलू राजा भी बोला जाता है, जमलू देवता है ना। और जहाँ पे बाहर के बंदों को टच करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर गलती से आप किसी के घर को या किसी आदमी को या मंदिर को टच कर देते हो तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, 4-5 हज़ार रुपये का, या फिर आपको कोई बेड़ वो चढ़ानी पड़ेगी देवता को खुश करने के लिए, अदरवाइज आपको ये मलाना वाले छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये है जी सामने मलाना, तो चलते हैं जी आगे की ओर। आज का हमारा स्टे है जो वो मलाना में ही होने वाला है। अभी देखते हैं मलाना गांव में हमें स्टे मिलता है या गांव से बाहर कहीं मिलता है, वो आपको दिखा देंगे हम कहां रुकने वाले हैं। और जो कसोल से हाईवे आता है, ये कसोल से हाईवे आ रहा है, यहां पे वो गेट है, यहां पे यहां से सीढ़ियों से सीधा नीचे जाके ये रास्ता सीधा मलाना गाँव की तरफ जाता है ना। क्या हो गया आज, क्या नहीं बोलना है? क्या नहीं बोलना आज? हेलो, ये बना हुआ है देवदार की लकड़ी में होल करके, छोड़ देते हैं मधुमक्खियाँ इसमें खुद आ जाती हैं अपना शहद लेके और घर बना लेती हैं। और ये अक्सर ठंडी जगह पे ही मिलती है ये चीज़ भाई। पीछे आंटी उन्हें क्या बोला था? मुझे ने बोला राजा मधुमक्खी आते हैं, मैंने बोला रानी मधुमक्खी आती है, कुछ जाती है। हाँ, वही सारी सेना इकट्ठी करती है इसमें। चलो जी, ओह माय गॉड, अभी हम जब वापस जाएंगे कल तो हम इस ब्रिज से पार जाएंगे। ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, इस ब्रिज से हम उस पार जाएंगे। ये जो रास्ता है यहाँ पहुँचेंगे हम दुकानों के पास, फिर यहाँ पे हमारी गाड़ी आ जाएगी। ये है जी मलाना गांव। वैसे तो हम अपनी गाड़ी वहाँ लगा के आए थे ऊपर, बट जो मेरे दोस्त हैं रोहित भाई, उनको काम आ गया और वो चले गए मेरी गाड़ी लेके नीचे कसोल एडवेंचर कैंप में अपने घर पे। तो जब हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो हम उनको कॉल करेंगे, वो हमें लेने आ जाएंगे, क्योंकि गाड़ी सेफ है। अगर हम यहाँ लगा देते तो कोई तोड़ फोड़ देता तो वो भी रिस्की है, तो इसलिए मैंने खुद भाई को बोला कि भाई आप गाड़ी ले जाओ, है ना। अगर हम जब आएंगे तो फिर आपको मैं खुद ही बोल दूंगा, आप हमें लेने आ जाना। और हम भी फाइनली हम मलाना में पहुँचने वाले हैं। सामने आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे मलाना गाँव, बहुत ही खूबसूरती है यहाँ की, चारों तरफ हरियाली हरियाली आप देख पा रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का बहुत खूबसूरत गांव मलाना। ये रास्ता है गांव जाने के लिए और ये रास्ता है नीचे जाने के लिए, यहाँ से हम आए हैं। ये जाता है वाइचन वैली को। कितना ट्रैक होगा ब्रो जो हम करके आए? होगा कम से कम 3 किलोमीटर सारा। 3-4 किलोमीटर तो है ना। और है भी प्लेन प्लेन था एकदम, अगर हम यहाँ से आते तो हम जल्दी थक जाते। चढ़ाई है सीधी चढ़ाई ऊपर को। तो चलते हैं मलाना गांव के अंदर। अभी फैसिलिटी बड़ी है यहां पे, 5G की है भाई, यहां इंटरनेट फुल पावर है, 5G फैसिलिटी सारी है। यही है कि पहाड़ी ऊपर है, सड़क नहीं आ पाई। हाँ। बट केवल तक कार लगी हुई है यहां पे, बिल्कुल कार नहीं है, छोटा बैठने वाला है। हाँ, उड़न खटोला बोल सकते हो आप। 5G नेटवर्क है, लाइट है, जियो एयरटेल फुल पावर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। भाई मलाना गाँव में एंटर होते ही क्या प्यारे प्यारे वाटरफॉल दिख रहे हैं। ओ भाई मस्त मस्त मस्त। राजीव ठाकुर, वाह छोटू, इसी गांव का रहने वाला और इतनी सारी वेड़ाओं वेड़ बकरियों को लेके जा रहे चराने अभी ऊपर। इंटर कर चुके हैं अभी हम गांव में और यहां पे कुछ लिखा हुआ है।
ये कूड़ा कचरा ना डालें, इसका चेतावनी है। यहाँ तो दुकान वकान सब खुली हुई होंगी, सब मिलेगा यहाँ पे। हाँ, और ये ऐसी मलाना गांव, अभी इंटर हो चुके हैं मलाना में, दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत। अच्छा, और ऐसे कुछ गांव है मलाना के। ये है जमदाग्नि दिशन का टेम्पल भाई। तो ये है जी मंदिर, बाकी कल एक्सप्लोर करेंगे इस मंदिर को भी और इनकी इसकी स्टोरी बताएंगे आप कल। दोनों मंदिर जमदाग्नि ऋषि गई हैं। और यहाँ पे है जी जमदाग्नि ऋषि जी का मंदिर, और देखो कितनी ज़्यादा महफिल सजी हुई है इधर। तो 3 घंटे का ट्रैक करके फाइनली पहुँच चुके हैं हम ऐसी लोकेशन पे, यहाँ पे है हमारा नाइट स्टे। फिर भाइयों कैसी रही तुम्हारी यात्रा? क्या बताऊं भाई, मजा आ गया सच्ची। हाँ। यही बोला है ना, मजा आ गया सच्ची यार, बहुत मजा आया। और ये दूसरा डैम नीचे, इसमें पानी नहीं है भाई इतना, इसको खाली इसलिए रखा है ऊपर से बाढ़ आएगी ना यहाँ पे पानी स्टोर रुक सके थोड़ा, रुक सके। हाँ। पता नहीं रुके नहीं, उसका मर्जी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ये बात तो है भाजी। आप बताओ कुछ, आप तो चुप होके बैठ गए यार। मैं दिमाग से सोच रहा हूँ सारी चीजें। अच्छा, अभी सोच रहे हो? ये शहरों के लोग दिमाग लगाते हैं, हम दिल लगा रहे हैं जगह से। हाँ, दिल लगा के जिया करो। दिल शहरों में, दिल हम शहरों के लोग, जो जो मोबाइल पकड़ खड़ा है वो मुंबई ज्यादा रहा है। अच्छा, जो इधर बगल में बैठा है वो इंडिया से बाहर ज्यादा घूमा है। अच्छा, वो थैंक यू। स्वीट पैड है उन्हें ज्यादा, चीनी इसमें, चीनी ज्यादा होगी, कोई बात नहीं। अरे चीनी ज्यादा वाला तो भैया हमारा रह गया है इस वक्त लद्दाख में है, वो जीतू पाजी। ओ भाई, क्या मेरे साथ नहीं करोगे? ये कर रहे हो के 6:30 हो चुके हैं, और क्या ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे मलाना में। मलाना में पहुँच चुके हैं और एक हमने रूम ले लिया, ये वाला। 3 बंदे हम इसमें सोने वाले हैं। खाना हमने ऑर्डर कर दिया, दाल राइस जो भी है ना, रोटी वगैरह। और सामने देखो फ्लैग्स कैसे हिल रहे हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सामने भी डैम है और पीछे भी डैम है, दोनों साइड से डैम का ठंडा पानी। और भाई ये व्यू। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल आपको एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.